अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? व्यूअर्स, ढेरों दुआओं के साथ फहमीदा स्टाइल में आज आपके लिए मेरी प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स के लिए बहुत खूबसूरत से बेबी फ्रॉक्स एम्ब्रॉयडरी के आइडियाज़ हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि नेक्स्ट सीज़न आ रहा है, समर की तैयारी कर लीजिए। सारा सीज़न आपने लॉन पहननी है, बेबीज़ के लिए लॉन की फ्रॉक्स ही चलनी है। तो आप कुछ प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स अभी से रेडी कर लें उनके लिए। तो मैंने कहा क्यों ना आपको फिर कुछ आइडियाज़ भी दिए जाएं कि आप बेबी फ्रॉक्स के, अगर प्लेन लॉन की आप फ्रॉक्स बनाती हैं तो उस पर आप एम्ब्रॉयडरी कैसी करनी है, योक पे करनी है, नीचे उस पर करनी है, अपने फ्रिल पे करनी है, घेर पे करनी है, और अगर आपने योग पे करनी है या बाबास के उनकी शर्ट्स पे, लॉन की अक्सर शर्ट्स बनाई जाती हैं, हम लोग पहनाते हैं जैसा कि बच्चों के लिए, तो उस पे छोटी छोटी सी ये कैटी, छोटी छोटी सी ये प्यारे प्यारे से बटरफ्लाई, और ये छोटे छोटे से चूज़े, और ये अपना रैबिट, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी ये एम्ब्रॉयडरी है। और आप इसको आसानी से, जिसे कि आप कहते हैं सिंपल स्टिच यानी डंडी टांके से, आप आराम से इसको जैसे बना सकते हैं। बहुत अच्छा आप इसको काज टांके से बना लें, बहुत अच्छा बनेगा वो आउटलाइन, इसकी सारी काज टांके से कर लें। छोटे छोटे से जो फ्लावर्स हैं आप इनको सिंपल से स्टिच से, मैंने अपनी हर एम्ब्रॉयडरी में आपको सिंपल स्टिच से ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी बताई है कि एक सिंपल स्टिच से भी एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती है। तो सिस्टर आप भी एक ट्राई कीजिए, कोई भी आप कॉटन्स की अगर बेबीज़ के बना रहे हैं तो अभी से कोई पीस लेके, योग का पीस लेके आप एक इस पर ड्रा करके, कोई भी ये छोटी सी बत्तख, छोटा सा ये अम्ब्रेला, या छोटी सी छोटी सी ये स्ट्रॉबेरीज बना के आप उसको डंडी टांके के साथ ही सिर्फ बना लें, तो बहुत खूबसूरत सा एक स्टाइल बन जाएगा और बड़ा अच्छा कलरफुल सा, प्यारे प्यारे से बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बाबाज़ की आप शर्ट्स पे, तो ये मोटरसाइकिल बना लें, ये वेस्पा छोटा सा बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये रैबिट अगर आप बनाएंगे तो ये सारे सिंपल स्टिच मैंने दिए हुए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। बाकी बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी फिर आप बाद में कर लीजिएगा, पहले सारे स्टाइल ये छोटी सी डंडी टांके से सिंपल स्टिच के साथ। ये एम्ब्रॉयडरी खूबसूरत सी रंगों की बहार है, एक जो आप एक सिंपल स्टिच से बना सकती हैं। तो आज की ये मैं सारी वीडियो मेरी सिस्टर्स के लिए, उन आइडियाज़ के लिए, बेबीज़ के लिए, ये प्यारी प्यारी सी डॉल्स, प्यारी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी, खूबसूरत सा ये प्यारी सी डॉल्स जो हैं, आप सिस्टर्स इन पे अगर उसकी डॉल ड्रा करके आप उसको डंडी टांके के साथ बना के, और सिर्फ उसका अगर फ्रॉक ही आप वैसे ही फ्रॉक की कटिंग करके, किसी अच्छे से खूबसूरत से कपड़े की कटिंग करके ही आप फ्रॉक के तौर पे लगा दें और उसको एप्लीक कर लें काज टांके के साथ, आप देखें कितना खूबसूरत लगेगा। बाकी आप सारा डंडी टांके के साथ बना लें उसका फ्रॉक या उसका हैट, जो भी है आप उसको इस किस्म का कोई कपड़ा लेके उसकी कटिंग करके वहीं पे आप उस तरीके से आपने उसको एम्ब्रॉयड कर देना है सिंपल टांके के साथ, बहुत खूबसूरत लगेगा। बटरफ्लाइज, ये प्यारी प्यारी सी डॉल्स, ये आप एक दफ़ा करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत, बड़ा मज़ा आता है और जल्दी से हो जाती है डंडी टांका। आप जानती हैं कि छोटे छोटे से स्टिच लेके जल्दी से ये सारा डिज़ाइन आपका बन जाएगा और खूबसूरत भी बहुत लगेगा। तो ये बेबीज़ की फ्रॉक्स के लिए थी आज की डिज़ाइनिंग। बड़ों की डिज़ाइनिंग तो मैंने बहुत दिखाई, आज मैंने कहा क्यों ना आपसे ये शेयर किए जाए कि बेबीज़ की फ़्रॉक के लिए किस किस्म की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए और कैसी उसको बनाना चाहिए। अगर आप इसके अलावा मज़ीद मुझसे कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हर किस्म के आपको आप अगर बताएं कहें तो मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूं, इसमें से कोई भी ऐसा डिज़ाइन अगर आप चाहें तो मैं आपको बना के भी बता दूं, आपको एप्लीक करके बता दूंगी कि कैसा बनाना चाहिए। वरना बहुत सारी मेरी सिस्टर ने देखते ही उनको समझ आ जानी है कि ये कैसा बनाना है। बहुत सारी मेरी सिस्टर सादी सादी सी भी होती हैं, जिनको नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लें। मज़ीद डिज़ाइन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो, अभी बहुत सारी डिज़ाइनिंग है जो एप्लिक करने हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी एप्लिक के, आपको डिज़ाइन के आइडियाज़ दूंगी कि ये एप्लिक किस तरीके से आप ये सामने रखकर कर सकते हैं।